क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले से ही शादीशुदा है और अगर वो किसी दूसरी लड़की से, तीसरी लड़की से, चौथी लड़की से प्रेम प्रसंग चलाता है तो ये कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को ख़राब करता है। सर, मैं यही चाहता हूँ कि सर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। और जो व्यक्ति सरकारी सीट पर बैठकर ये काम करता है तो सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी होती है। दे उसके बाद हम जवाब लगाएंगे और वो जवाब लगाने के लिए डेट तय की गई है 18 अगस्त जो है। जो SDM ज्योति मौर्य है उसके खिलाफ भी जांच चल रही है। खुद एक SDM 2015 से हैं और आपने 2015 से लेकर 2023 तक कहीं भी एक FIR या शिकायत नहीं दर्ज की। 23 में ऐसी आपको क्या आन पड़ी कि आपने मेरे पूरे परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे डल लगाती गई। SDM ज्योति मौर्य और आलोक का मामला अब जल्दी ही लॉजिकल एंड पर पहुंच सकता है। इस मामले में आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस कहानी के तीसरे किरदार यानी कि जो कमांडेंट साहब मनीष दुबे हैं उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी वो जांच पूरी हो चुकी है और सरकार किसी भी दिन उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर सकती है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि आज फैमिली कोर्ट में SDM और उनके पति आलोक की पेशी थी। SDM तो नहीं पहुंची लेकिन आलोक वहां ज़रूर पहुंचा। इसके पीछे क्या मायने हैं, क्योंकि तलाक की अर्जी तो SDM ज्योति मौर्य ने खुद कोर्ट में दी थी और वही आज नहीं पहुंची, तो क्या माना जाए कि SDM ज्योति मौर्य को अपनी गलती का एहसास हो चुका है? क्या सोशल मीडिया पर जो उनको इतना ट्रोल किया गया, इतनी बातें लिखी गई, उन बातों का कोई असर SDM ज्योति मौर्य के दिलो दिमाग पर पहुँचा है? देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस कहानी का लॉजिकल एंड क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले 10 से 15 दिन हो गए हैं सोशल मीडिया से SDM ज्योति जो मौर्य हैं और आलोक उनकी जो कहानी है, फिल्मी कहानी, उसको लोग देखना चाहते हैं। कोई भी आप खबर डाल दीजिए, अपडेट देखना और सुनना लोगों को पसंद है। आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो आलोक है वो पहुंचा फैमिली कोर्ट और SDM साहब की भी आज कोर्ट में पेशी थी लेकिन SDM ज्योति मौर्य वहां पर नहीं पहुंची। अब इसके क्या मायने हैं? सोशल मीडिया पर जब से ये खबर वायरल हुई है, इसके अलावा जो वकील साहब हैं आलोक के, उनसे भी हमारी टीम की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर जो महिलाएँ फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डालती हैं या कोई पुरुष डालता है, यानी कि जो भी पहल करता है, तो पहली पेशी पर वो ज़रूर आता है। लेकिन यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। यहाँ पर जो आलोक है, जो कि तलाक बिल्कुल नहीं देना चाहता ज्योति मौर्य, जो SDM है उनकी पत्नी भी हैं, लेकिन जो तलाक लेना चाहती है आलोक से, जो आलोक से दुखी है, जो आलोक उसके स्टेटस का नहीं रहा SDM बनने के बाद, जिसके पास रहने से भी उनको बदबू आती है, आज वो कोर्ट में नहीं पहुँची तलाक की अर्जी देने के बावजूद। तो इसके कई मायने हैं। हालांकि उनके वकील की तरफ से एक एप्लीकेशन ज़रूर दी गई कि भाई आज ज्योति मौर्य को किसी सरकारी काम से कहीं कुछ काम है और या उनकी कुछ तबीयत ख़राब है, इस तरह की बातें उस एप्लीकेशन में लिखी हुई थी और इसीलिए अगली डेट लगी है। और जो वकील साहब है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि भाई जो व्यक्ति तलाक की अर्जी देता है तो वो पहली डेट पर ज़रूर पहुँचता है क्योंकि जल्दबाजी उसी को होती है, जबकि दूसरे पक्ष को कोई जल्दबाजी नहीं होती। आलोक भी वहाँ पहुँचा और आलोक ने वहाँ पहुँचकर सारी बातें मीडिया के सामने एक बार फिर रखी। मीडिया के कैमरे उसका इंतज़ार कर रहे थे तो उसने साफ तौर पर जो उसकी पुरानी प्रेम कहानी थी एक बार मीडिया के सामने उसने दोबारा दोहराई। सर, मैं यही चाहता हूँ कि सर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। एक साल पूर्व DGP साहब को और कई जगह शिकायत किया था लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया। बिल्कुल सर, पूरी तरह से मनीष ही गुनहगार है, लेकिन मैं कहीं कहीं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ज्योति जी का हाथ नहीं है। अगर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पारिवारिक बातें बैठ के कोशिश करने की, यहाँ तक कि मैं आप पता कर सकते हैं उनके गांव से भी कुछ लोगों को मैंने बुलाया था कि मामला बाहर जाने से अच्छा है कि घर में निपटा लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ दो बच्चे हैं और मैं आप लोगों सर शुरू से कह रहा हूँ मैं बच्चों के प्रति बहुत ही इतना लगाव है सर कि मैं बच्चों से दूरी आज तक कभी नहीं रहा हूँ।
सर मैं हमेशा बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों की देखभाल किया हूँ, और एक बच्चे का सर आप भी एक पिता होंगे, एक बच्चे से दूर होने का दर्द आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर, मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ सर। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बोला था, जो कुछ लोग गलत भ्रामियाँ फैला रहे हैं कि आलोक माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं समझौते की बात कर रहा हूँ बच्चे के लिए, लेकिन जो गुनहगार हैं सर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बस मेरी सजा। एक सबसे बड़ा अपडेट एसडीएम की पेशी के बाद ये है कि जो कमांडेंट साहब हैं इस मामले के तीसरे किरदार, उनके खिलाफ जो एक जांच चल रही थी वो जांच पूरी हो गई है। जो डीजी होमगार्ड हैं विजय कुमार मौर्य, उन तक जांच रिपोर्ट पहुंच चुकी है। एक संतोष कुमार सिंह आईपीएस अधिकारी हैं, जो बुलंदशहर के भी एसएसपी रहे थे और जो प्रयागराज का कमिश्नरेट है वहाँ पर भी वो कई दिन रहे थे, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और वो उन्होंने जो डीजी होमगार्ड हैं विजय कुमार मौर्य उनको सौंप दी है। और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं दोस्तों, वो ये बताते हैं कि जो भी आलोक ने आरोप लगाए थे कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ, वो सारे के सारे आरोप बिल्कुल सिद्ध पाए गए हैं, सच्चे पाए गए हैं। और जो उसने व्हाट्सएप चैट कॉल रिकॉर्डिंग शासन को भेजी थी जाँच के लिए, वो सारी चीज़ें एकदम सही पाई गई हैं। तो उसके खिलाफ जो जाँच है पूरी हो चुकी है, तो कार्रवाई बिल्कुल अब निश्चित है। इसके अलावा उसकी जांच चल रही थी कैरेक्टर की, एक तो भ्रष्टाचार की जांच अलग चल रही थी, एक बार जांच चल रही थी कैरेक्टर की, क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले से ही शादीशुदा है और अगर वो किसी दूसरी लड़की से, तीसरी लड़की से, चौथी लड़की से प्रेम प्रसंग चलाता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को ख़राब करता है। और जो व्यक्ति सरकारी सीट पर बैठ कर ये काम करता है, तो सरकार की भी कहीं ना कहीं बदनामी होती है। एक अमरोहा की होमगार्ड थी, उसने भी कमांडेंट साहब के ऊपर आरोप लगाया था कि वो ज़बरदस्ती उसको अपने साथ सुलाना चाहता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिनको वो प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा था, तो उसका भी बयान बड़ा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा इसमें जो आलोक ने कुछ मेल पर सबूत सौंपे, व्हाट्सएप चैट दी, कॉल रिकॉर्डिंग और जो CDR है उसकी पूरी की पूरी जांच उस पूरे एरिया तक घूम रही थी। और पुलिस के जो मेरे भरोसेमंद सूत्र हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि सारे आरोप बिल्कुल सही पाए गए हैं और अब ये जो मामला है जो मुख्यमंत्री के विश्वस्त जो अधिकारी हैं उन तक पहुँच चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोज़ाना इसको लाखों करोड़ों लोग इस मामले का फॉलोअप लेना चाहते हैं कि भाई एक तो दगाबाज SDM ज्योति मौर्य जिसने अपने पति को धोखा दिया, दूसरा एक दगाबाज अफसर जो अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा है और SDM के साथ भी वो दोस्ती रखता है, इसके अलावा क्या ही महिलाओं से वो के टच में है, क्या ही महिलाओं के साथ वो जबरदस्ती अवैध संबंध बनाना चाहता है, यहाँ तक कि महिला होमगार्ड को नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि 24 से 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं, कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई अब बिल्कुल निश्चिंत है। इसके अलावा जो SDM ज्योति मौर्य हैं उसके खिलाफ भी जांच चल रही है, क्योंकि जो उसका पति आलोक है उसने ये आरोप लगाया है कि पहले वो बहुत गरीब थी और उसी के पैसों पर वो पढ़ी लिखी और आज उसका स्टेटस इतना बड़ा हो गया है कि उसने कई संपत्तियां खरीद ली हैं, दुकानें बना ली हैं, कोई स्कूल भी बना लिया है अपने रिश्तेदारों के नाम से, तो उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। और जब आलोक के साथ उसके संबंध ख़राब हो रहे थे तो उसने उस पर सर्विलांस रखना शुरू कर दिया था, घर से एक रजिस्टर बरामद हुआ था, कुछ व्हाट्सएप चैट ऐसी थी जिसमें कहीं ना कहीं SDM ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार का भी खुलासा होता है। हालांकि हम किसी अधिकारी पर लांछन नहीं लगा रहे हैं, किसी को हम भ्रष्ट नहीं बता रहे हैं, चूँकि उसका पति सारे सबूत लेकर आया, उसी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो एक जाँच ये भी चल रही है कि जो उसके पति आलोक ने शिकायत की है तो उनमें कितनी सच्चाई है। तो पुलिस के और प्रशासन के बड़े अधिकारी इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और आप यकीन मानिए जिस तरह की जांच में कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, तो हो सकता है जो SDM ज्योति मौर्य हैं उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो भी भविष्य में सही पाए जाएँ। तो कहीं ना कहीं एक जो पागल प्रेमी था, जो जुनूनी पति था, उसका जो एक ज़िद थी वो पूरी होती नज़र आ रही है, क्योंकि उसने कहा था कि वो बेपनाह मोहब्बत करता था अपनी पत्नी SDM ज्योति मौर्य को, उसने उसको पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो समाज में उसका स्टेटस बड़ा हो सके, लेकिन उसने ताकत आने पर, कलम मिलने पर, कुर्सी की पावर आते ही अपने पति को ही लात मारकर घर से निकाल दिया, उसका मर्डर तक कराने की उसने धमकी दी। तो कहीं ना कहीं आलोक के अंदर ये जुनून है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक कहीं ना कहीं पति के दिलो दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है अपनी पत्नी के लिए। पत्नी चाहे कुछ भी कर दे, पत्नी हो या किसी का बेटा हो या पिता हो,
अपने औलाद के लिए चाहे कोई कितना खिलाफ हो जाए, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। आलोक के दिल में भी ज्योति मौर्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उसका कहना है कि अगर कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो उसकी पत्नी उसको दोबारा से मिल सकती है, क्योंकि कमांडेंट मनीष दुबे ने ही उसका घर बर्बाद किया है। जब से वो कमांडेंट मनीष दुबे के टच में आई, तभी से उसने अपने पति के साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। हो सकता है कमांडेंट ने ही आलोक के लिए उसको भड़काया हो। बिल्कुल सर, पूरी तरह से मनीष ही गुनहगार है, लेकिन मैं कहीं कहीं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ज्योति जी का हाथ नहीं है। अगर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पारिवारिक बातें बैठ के कोशिश करने की, यहाँ तक कि मैं आप पता कर सकते हैं उनके गांव से भी कुछ लोगों को मैंने बुलाया था कि मामला बाहर जाने से अच्छा है कि घर में निपटा लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ दो बच्चे हैं। और मैं आप लोगों सर शुरू से कह रहा हूँ, मैं बच्चों के प्रति बहुत ही इतना लगाव है सर कि मैं बच्चों से दूरी आज तक कभी नहीं रहा हूँ। सर मैं हमेशा बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों की देखभाल किया हूँ। और एक बच्चे का सर, आप भी एक पिता होंगे, एक बच्चे से दूर होने का दर्द आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर। मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ सर। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बोला था, जो कुछ लोग गलत भ्रामियाँ फैला रहे हैं कि आलोक माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं समझौते की बात कर रहा हूँ बच्चे के लिए। लेकिन जो गुनहगार हैं सर, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बस मेरी सजा। तो आलोक का कहना है कि अगर कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो हो सकता है कि ज्योति मौर्य का जो हृदय परिवर्तन है वो हो जाए, दोबारा से उसको पुराने दिनों की याद आने लगे। तो कहीं ना कहीं आलोक भी अब पूरी तरह से थोड़ा सा चेंज है। वो चाहता है कि अगर उसकी पत्नी गलती मान ले और घर में आकर वो रहने लगे तो वो सारी पुरानी गलतियों को माफ़ कर देगा। तो ये इसका एक बड़ा ही सुखद लॉजिकल एंड हो सकता है। दूसरा लॉजिकल एंड ये है कि अगर SDM ज्योति मौर्य अपनी गलती नहीं मानती हैं और अब उनका उनका जो दोस्त है कमांडेंट मनीष दुबे, उसके खिलाफ अब कार्रवाई होना लगभग तय है, तो जो तमाम भ्रष्टाचार की शिकायतें चल रही हैं SDM ज्योति मौर्य के खिलाफ, अगर वो सिद्ध पाई जाती हैं, सही पाई जाती हैं, तो शासन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। तो यहाँ पर एक प्यार करने वाले जुनूनी प्रेमी का बदला पूरा हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉजिकल एंड होगा इस पूरी स्टोरी का। दोस्तों, इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट हम आपको सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखकर बताइएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।